हे फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन अ न्यू लेक्चर। ठीक है, शॉर्ट नोट्स की लेक्चर सीरीज हमारी कंटिन्यूस है। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखो, मैंने आपको क्या क्या करा दिया। मैंने आपको करा दिया आईसी इंजन, मैंने आपको करा दिया टोम, अब इसी लेक्चर सीरीज में आपको करा रहा हूँ पावर प्लांट। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्द से जल्द अपने सारे लेक्चर्स को कंप्लीट कर लूँ। बस मैं यार आपसे यही गुजारिश करता हूँ, देखिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, तो यार अगर आपको कृपया साथ दीजिए, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, और थोड़ा सा हो सके तो यार सब्सक्राइब करा करिए और पढ़ते रहा करिए चैनल पर। ठीक है, कृपया करके पूरा वीडियो देख करिए जिससे आपको नॉलेज मिले। लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हो, कुछ कुछ लोग आते हो देखा करा, अरे मज़ा नहीं आ रहा, छोड़ के चले जाते हो। भाई कई चीज़ हो सकते हैं, कहीं पे तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा हो, कहीं पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा हो, तो एटलीस्ट कोशिश करो कि थोड़ा सा इंगेज हो सको। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा इंगेजिंग बना सकूँ। ठीक है, पावर प्लांट, पावर प्लांट में सबसे पहले हम जानेंगे क्या होता है बैक वर्क रेशियो। बैक वर्क रेशियो विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाई RBW। ठीक है, दिस इज़ द वर्क डन ऑफ एब्जॉर्बिंग डिवाइस। ठीक है, वर्क डन ऑन एब्जॉर्बिंग डिवाइस बाई वर्क डन बाई प्रोड्यूसिंग डिवाइस। देखो एब्जॉर्बिंग डिवाइस डिवाइस क्या क्या होंगे पावर प्लांट में, या तो पंप होगा या कंप्रेसर होगा, और प्रोड्यूसिंग कौन सा होगा, हमेशा टरबाइन होगी। ठीक है, तो ये होता है वर्क एब्जॉर्बिंग बाई वर्क प्रोड्यूसिंग। फिर आ जाता है वर्क रेशियो। देखो वर्क रेशियो इज नथिंग बट 1 - RBW। जब 1 - RBW करोगे तो इट विल कम आउट वर्क ऑफ द टर्बाइन माइनस वर्क ऑफ द कंप्रेसर अपॉन वर्क ऑफ द टर्बाइन, है ना, सिंपल है ना। ठीक है, अब देखो आपको एक ट्रिक बताता हूँ। पावर प्लांट की साइकिल देखो पहले, तो दिस इज द साइकिल ऑफ पावर प्लांट, है ना। 1 से 2, 1, 2, 3, 4। देखो 1 होता है हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, 1 से 2 हमारा लगा होता है कंप्रेसर, यहां पर होता है एडियाबेटिक हीट एडिशन, 3 से 4 होता है हमारा आइसेंट्रॉपिक। ठीक है, मतलब ये हमारा जो 3 से 4 आइसेंट्रॉपिक, या आप कह लो, है ना, यहाँ पे क्या होगा, 3 से 4 में क्या हो रहा है, तो यहाँ कंप्रेसर लगा है, यहाँ लगी आइसेंट्रॉपिक टरबाइन लगी हुई है, यहाँ पे टरबाइन लगी हुई है। ठीक है, और 4 से 1 लगा है हमारा हीट रिजेक्शन। तो देखो सॉरी, यहाँ पे लगा है आइसोबारिक, आई 1 से 2 आइसोबारिक कंप्रेसर, और यहाँ लिखा है आइसोबारिक टरबाइन लगी है। ठीक है, ठीक है, अब चलिए, अब T2 इसका एक फॉर्मूला डायरेक्ट ऐसा कर दो, T2 मल्टीप्लाई बाई T4 होता है हमेशा T3 मल्टीप्लाई बाई T1। ठीक है दोस्तों, अब एक और चीज़ देखिए, अगर हमें मैक्सिमम वर्क डन के लिए निकालना है, मैक्सिमम वर्क डन के लिए निकालना है, तो T2 और T4 हमेशा अंडर रूट T1 T3 के बराबर होंगे। ठीक है, और जो वर्क मैक्स आएगा वो कितना आएगा, CP अंडर रूट TH माइनस अंडर रूट TL का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। अब एफिशिएंसी ऑफ ऑटो कितनी होती है, दैट इज़ कम आउट टू 1 - 1/R γ - 1। एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटॉन कितनी होती है, 1 - 1/R γ - 1/γ। ठीक है, T1 इज़ नोन एज लोअर टेम्परेचर एंड T3 इज़ नोन एज हायर टेम्परेचर। ये बोल रहा है अगर आप प्रेशर रेशियो को बढ़ाओगे, है ना, तो गामा बढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर प्रेशर को वो सॉरी गामा को बढ़ाओगे तो एफिशिएंसी यहाँ पर बढ़ेगी। ठीक है, तो वही चीज़ है, देखो एक बार और प्रोसेस का नाम याद रख लो, 1 से 2 क्या हो गया हमारा एडियाबैटिक या आइसेंट्रॉपिक कंप्रेशन। ठीक है, 2 से 3 हो गया हमारा आइसोबारिक हीट एडिशन, 3 से 4 क्या हो गया हमारा आइसेंट्रॉपिक एक्सपांसन, और 4 से 1 हो गया हमारा आइसोबारिक, ठीक है, हीट रिजेक्शन।
ठीक है दोस्तों। चलिए अब आ जाता है आरपी ऑप्टिमम। आरपी ऑप्टिमम पूछा जाए तो हमेशा होता है टी मैक्स अपॉन टी मिन की पावर गामा अपॉन टू टाइम्स गामा माइनस वन, दैट इज नोन एज आरपी ऑप्टिमम। ठीक है, अब उसके बाद केस क्या जाता है, आरपी ऑप्टिमम जो होता है वो आरपी मैक्स के रूट होता है, मतलब आरपी स्क्वायर करोगे ना तो आरपी मैक्स मिलेगा आपको। चलिए और चीज़ देखते हैं, प्रेशर रेशियो का रेशियो आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ कम आउट टू आर की पावर गामा माइनस वन बाई गामा बराबर टी टू बाई टी वन और टी थ्री बाई टी फोर, है ना। अब निकालते हैं हम लोग एक्चुअल, जो हमारी एक्चुअल साइकिल होती है। देखो पावर प्लांट में सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं ये जो सारी चीज़ें हैं, दैट ऑल आर रिलेटेड टू द ब्रेटॉन साइकिल, दैट इज ऑल आर रिलेटेड टू द ब्रेटॉन साइकिल, है ना। तो अब एक्चुअल निकालना है, तो एक्चुअल में ये होता है कि देखो अगर हम किसी को किसी चीज़ में हमारा वर्क लग रहा है ना, तो फ्रिक्शन की वजह से वर्क ज़्यादा ही लगेगा, तो ये ग्राफ आगे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और एक्सपांसन होगा तो जो वर्क एब्जॉर्ब हो रहा है वो कम से कम होगा, तो ये आगे की तरफ चला जाएगा ये पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हो जाएगा, मतलब जो टी फोर है वो ग्रेटर है, सॉरी जो टी फोर है वो लेस देन है टी फोर डैश से, जो नहीं होना चाहिए। हमें मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, मिनिमम टेम्परेचर ये, पर हमें क्या मिल रहा है, फोर डेज मिल रहा, ठीक है। तो ये होता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर टर्म आ जाता है आइसेंट्रॉपिक एफिशिएंसी, ठीक है। आइसेंट्रॉपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर लिखना है तो आप याद रखो कंप्रेसर के टाइम पे आइडियल अपॉन एक्चुअल लिखते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी हमेशा एक से कम होती है। तो अगर आइडियल है टी टू माइनस टी वन तो एक्चुअल कितनी है, टी टू डैश माइनस टी वन। पर वर्क प्रोड्यूसिंग में ऐसा नहीं होता, हमेशा वर्क कम मिलेगा, वर्क प्रोड्यूसिंग कभी वर्क ज़्यादा नहीं मिल सकता एक्सपेक्टेड से, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, टी थ्री माइनस टी फोर डैश अपॉन टी थ्री माइनस टी फोर, ये कॉन्सेप्ट होता है। अब आ जाता है केस वन रीजनरेशन। रीजनरेशन का केस क्या होता है, हम क्या करते हैं, हमारी जो हम क्या करते हैं, हमारा जो मतलब हमारी टरबाइन से जो भी यहाँ पर हीट निकल रही है, जो भी हीट निकल रही है, तो हम क्या करते हैं इसी हीट से दोबारा से अपनी जो गैसेस हैं, मतलब जो यहाँ पर हीट एडिशन हो रहा था उसमें ऐड कर देते हैं इसी चीज़ को, इसी चीज़ को यहाँ पर ऐड कर देते हैं और हम पहले से थोड़ा सा हीट कर देते हैं, है ना। तो मतलब उससे क्या होता है, जो हमारा कोयला कोल वोल जो भी एनर्जी लग रही थी वो एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो इसको देखो इस तरीके से, मतलब अगर हम टेम्परेचर को, है ना, अगर हमारा टेम्परेचर को हमने यहाँ तक हीट, हमने इतनी इतना टेम्परेचर इतनी हीट को इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो ये इधर मिल गई, तो ये पॉइंट हो गया टी ए, मतलब इतनी हीट हमें नहीं देनी पड़ी, यहाँ से यूटिलाइज कर ली, तो दिस पॉइंट इज टी बू, है ना। दिस पॉइंट कम आउट टू टी थ्री एंड दिस पॉइंट कम आउट टू द टी वन, तो यहाँ से इफेक्टिवनेस लिखो, तो इफेक्टिवनेस क्या होगी, टी ए माइनस टी टू, ठीक है, टी ए माइनस टी टू अपॉन टी फोर माइनस टी टू। आप इसको कैसे याद रख सकते हो, आप ऐसे याद रख सकते हो, कितना हुआ टी ए माइनस टी टू हुआ, कितना हो सकता था टी फोर माइनस टी टू हो सकता था, ठीक है। तो इफेक्टिवनेस अगर वन हो जाती ना तो ये जो टी ए माइनस टी टू है वो टी फोर माइनस टी टू के बराबर हो जाता। चलिए एफिशिएंसी ऑफ रीजनरेशन साइकिल लिखो, दैट इज़ कम आउट टू द वन माइनस टी वी माइनस टी वन अपॉन टी थ्री माइनस टी ए। अगर हम एफिशिएंसी ऑफ आइडियल रीजनरेशन लिख रहे हैं, दैट इज़ कम आउट टू, देखो टी वी जो है वो टी टू के बराबर हो जाएगा और जो टी फोर है वो टी ए के बराबर हो जाएगा, तो दैट इज़ कम आउट टू वन माइनस टी टू माइनस टी वन अपॉन टी थ्री माइनस टी फोर। तो अगर कभी भी आपसे एफिशिएंसी ऑफ आइडियल रीजनरेटेड साइकिल पूछी जाए तो आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो, लगा सकते हो, वन माइनस टी वन बाई टी थ्री आर पी की पावर गामा माइनस वन बाई गामा। तो ये पहला केस तो था रीजनरेशन का। अब इसी में आगे के केस की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ केस ऑफ रीहीटिंग। रीहीटिंग क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे देखो हमारे हमने अपनी टरबाइन से एक्सपांसन किया, है ना, फिर हम क्या करते हैं, हम इसको एक्सपांसन को फिर से हम यहाँ से फिर से हम हीट देते हैं, फिर से हम कुछ हीट देते हैं और दोबारा उसको दूसरी टरबाइन में एक्सपांड कराते हैं। इससे क्या होता है, हमें ज़्यादा वर्क आउटपुट मिलता है ना। हम मानते हैं कि हमारी हीट ज़्यादा लगी, देखो हीट कहाँ कहाँ लग गई, देखो टू से थ्री भी हमारी हीट लगी और फाइव से फोर भी हमारी हीट लगी, पर हमें वर्क कहाँ मिला, टी थ्री से टी फोर मिला और टी फाइव से टी सिक्स, वर्क ज़्यादा मिलता है, इसलिए हम हीट देने के लिए तैयार हैं।
परफेक्ट रीहीटिंग के केस में क्या होता है, जो T3 होता है वो T5 के बराबर हो जाता है। अब देखो हमें पता है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन दिस इज आइसोबारिक, और ये लाइन आइसोबारिक है ना। अब देखो इस पॉइंट का टेम्परेचर पता है, इस पॉइंट का टेम्परेचर प्रेशर पता है, सॉरी P1, इसका P2 है, हमें पर ये नहीं पता, इस लाइन का प्रेशर नहीं पता है इस लाइन का, तो कैसे निकल आएगा, निकल आएगा P इंटरमीडिएट बराबर अंडर रूट PH अपॉन PL, ठीक है, इससे निकल आता है P हायर इंटू P लोअर है ना। और आइडियल, अगर आइडियल रीहीटिंग है तो WT1 बराबर WT2 है, मतलब H3 माइनस H4 में जो वर्क हुआ और H5 माइनस H6 में जो वर्क हुआ वो बराबर हो गए है ना, T4 और T6 भी बराबर हो गए परफेक्ट रीहीटिंग के केस में। अब आ जाओ इंटरकूलिंग। इंटरकूलिंग क्या कहता है कि हमने देखो कंप्रेसर, हमने पहले हीट रिजेक्शन किया, फिर कंप्रेसर का प्रेशर बढ़ाया, कंप्रेसर प्रेशर बढ़ाने के बाद हमने उसे फिर से कूल किया, हमने उसे ठंडा किया और फिर से प्रेशर बढ़ाया है ना। तो इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे जो कंप्रेसर का वर्क होता है वो पहले से कम लगता है ना, कंप्रेसर का वर्क पहले से कम लगता है ना, और हमें फ़ायदा होता है। तो इसमें भी सेम होता है, आइडियल के लिए WC1 बराबर WC2 है, T2 बराबर T4 है, ये T2 है, ये T4 है ना, T1 बराबर T3 है। अब आ जाता है स्टीम वेपर साइकिल है ना। स्टीम वेपर साइकिल के लिए आप एक फार्मूला याद कर लो है ना, ये पूरे बेस्ड ऑन रैंकाइन साइकिल है, दैट इज़ नथिंग बट अ रैंकाइन साइकिल है ना। इसका पूरा काम करने का वर्किंग होता है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन दैट इज़ नोन एज SSC। तो ये कितना होता है, 3600 अपन W नेट, यूनिट होती है इसकी किलोग्राम अपन किलोवाट आर, सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी यूनिट ही होती है। फिर आ जाता है हीट रेट, हीट रेट इज़ नथिंग बट वन अपॉन एफिशियंसी, वन अपॉन एफिशियंसी फॉर सेम प्रेशर रेशियो, एफिशियंसी ऑफ वर्क रैंकाइन इज ग्रेटर देन एफिशियंसी ऑफ कारनॉट फॉर सेम प्रेशर रेशियो, पर जो W नेट होता है वो रैंकाइन का वो कारनॉट से बहुत ज़्यादा होता है ना दोस्तों। और जो मेन टेम्परेचर हीट एडिशन ऑफ कारनॉट होता है वो हमारा रैंकाइन से बहुत ज़्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कंप्रेसर की तरफ, ठीक है, ऑन बेसिस ऑन, ठीक है। तो कंप्रेसर कितने टाइप के हो गए, तीन टाइप के हो गए, कौन कौन से, लो प्रेशर कंप्रेसर, हाई मीडियम प्रेशर कंप्रेसर एंड हाई प्रेशर कंप्रेसर। तो लो प्रेशर कंप्रेसर जो लेस देन 10 बार काम करें, मीडियम कंप्रेसर जो 10 से 80 वर्क करें, हाई प्रेशर जो 80 से ज़्यादा वर्क करें, ठीक है। ऑन बेसिस ऑफ लिंक कैपेसिटी, कितना वो लोग, कितना वॉल्यूम कंटेन कर सकते हैं है ना, तो ये पूछता है लिंक कैपेसिटी में। तो देखिए अगर लेस देन 9 है हमारा वॉल्यूम है ना, तो एक हो गया, एक हो गया 9 से 3000 और ग्रेटर देन 3000। तो आपको बता दूँ कंप्रेसर भी जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होता है रोटरी, एक होता है रेसिप्रोकेटिंग है ना। तो जो रोटरी होते हैं ये वॉल्यूम ज़्यादा हैंडल कर सकते हैं पर प्रेशर कम, पर जो रेसिप्रोकेटरी होता है वो प्रेशर ज़्यादा हैंडल कर सकते हैं और वॉल्यूम कम, ठीक है। तो अंतर आपको समझा होगा, समझ में आओगा। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की, मतलब स्टार्ट करते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर से। देखो अब रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में हम लोग पढ़ेंगे वर्क इनपुट टू कंप्रेसर विदाउट क्लियरेंस, उसका फॉर्मूला क्या होगा है ना। उसका फॉर्मूला होता है वर्क इनपुट एन P2V2 माइनस P1V1 अपॉन N-1 है ना, यह होता है N N-1 P1V1 P2 by P1 N-1 by N-1, ठीक है। तो ये होता है वर्क इनपुट विदाउट क्लियरेंस, पर अगर NRPM में है ना, तो हम लोग पावर भी निकाल सकते हैं, कैसे, वर्क इनपुट इंटू NY60 वॉट से। चलिए इफ साइकिल ऑपरेट्स विद क्लियरेंस, कि हम लोग देख रहे थे अगर पावर निकालना है तो क्या करेंगे, वर्क इनपुट इंटू NY60 कर देंगे तो पावर आ जाएगा। इफ साइकिल ऑपरेट्स विद क्लियरेंस, अगर साइकिल को हम ऑपरेट करते हैं विद क्लियरेंस के साथ, तो जो वर्क इनपुट आता है वो आता है N N-1 N/N-1 P1 V एक्चुअल P2 by P1 N-1। अब आपके लिए एक बड़ा क्वेश्चन ये हुआ कि यहाँ पर V एक्चुअल क्या है, ठीक है।
तो वी एक्चुअल होता है यहाँ पर वी वन माइनस वी फोर। अब देखिए आपका डायग्राम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं हम लोग। देखो अब हम यहाँ पे जो डायग्राम बना रहे हैं दैट डायग्राम इज नोन एज पीवी डायग्राम। और हमारे पास कौन सा डायग्राम अवेलेबल है, दैट इज टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम किस तरीके से, इस तरीके से। तो देखो वन से टू प्रोसेस क्या है आप देख सकते हो, टू से थ्री क्या है आप देख सकते हो, है ना, थ्री से फोर क्या है आपको पता है, और फोर टू वन पता है। अब आपको पता है टू से थ्री कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर और हीट एडिशन हो रहा है, हीट एडिशन होगा अगर कांस्टेंट प्रेशर पे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो डायग्राम शुड बी लाइक उस दिस। तो ठीक है अब यहाँ पर ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया। तो बी फोर माइनस वी वन दिस इज नोन एज वी एक्चुअल, ठीक है। और अगर यहाँ पे वी टू होता, वी टू होता तो बी फोर माइनस वी टू होता किसके बराबर, क्लियरेंस प्लस एक्चुअल, ठीक है। चलिए आ जाते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की तरफ। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज नथिंग बट वन प्लस सी माइनस सी पी एच वाई पी एल की पावर वन वाई एन। अगर हम अपनी एन वी को ज़ीरो कर दें और पी टू वाई पी वन निकालें तो इट विल कम आउट टू वन प्लस वन वाई सी की पावर एन। समझ गए दोस्तों। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मल्टी स्टेज कंप्रेसर लगाते हैं। हम लोग क्या लगाते हैं, मल्टी स्टेज कंप्रेसर लगाते हैं, है ना। तो जो ओवरऑल प्रेशर रेशियो आता है वो आता है प्रेशर रेशियो इन ईच स्टेज की पावर एन। जैसे हमने दो स्टेज लगाई तो क्या आएगा, पी टू बाई पी वन इंटू पी फोर बाई पी थ्री की पावर टू, इस तरीके से, है ना, सॉरी इस तरीके से पी टू बाई पी वन के स्क्वायर। प्रेशर इन ईच स्टेज पी टू बाई पी वन ही होगा, है ना, उसका एन कितने बार है, दो बार है, तो उसका स्क्वायर कर दिया। समझ में आया होगा आप लोगों। टोटल वर्क इनपुट होता है एन इंटू वर्क इनपुट इन ईच स्टेज। अब आ जाता है फ्री एयर डिलीवरी। फ्री एयर डिलीवरी है ना इज नथिंग बट इट इज यूज टू कंपेयर दी कंप्रेसर। ये लोग कुछ नहीं, कंप्रेसर को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसके लिए जो इक्वेशन लिखी जाती है पी वन वी एक्चुअल अपॉन टी वन बराबर पी टू वी एक्चुअल अपॉन टी टू बराबर पी एफ बी एफ अपॉन टी एफ, जहाँ पे पी एफ की वैल्यू होती है 1 bar और टी एफ की वैल्यू होती है 15°C, ठीक है दोस्तों। तो आपको यहाँ से फ्री एयर डिलीवरी समझ में आई होगी। अब आ जाते हैं हम लोग स्टीम वेपर साइकिल की तरफ। स्टीम वेपर साइकिल इट इज नथिंग बट रैंकाइन साइकिल, जैसा कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। देखो इसमें क्या होता है, जो वन से टू होती है वो टरबाइन होती है ना, यहाँ पे टरबाइन वर्क पर कर रही होती है ना। उसके बाद आप ये देखिए ये जो पूरा रीजन है वन से फोर तक का यहाँ पे लगा रहता है आपका बॉयलर, फोर से थ्री लगा होता है आपका पंप, और टू से थ्री लगा होता है आपका इंटर, है ना, कूलर या कंडेंसर, ये दोनों। तो फिर हम लोग इसी लेक्चर सीरीज में पॉलीट्रॉपिक और स्टेज एफिशिएंसी की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ पॉलीट्रॉपिक इज नथिंग बट एन गामा माइनस वन अपॉन गामा टाइम्स एन माइनस वन, है ना, ये होती है, दिस इज नोन एज पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी, है ना। अब इसी में देखो एक ये फॉर्मूला भी होता है, पर ये फॉर्मूला इतना यूज़फुल नहीं है, तो इसकी तरफ आप ज़्यादा ध्यान मत दो, इसका जब क्वेश्चन आएगा ना तब ज़्यादा ध्यान देना, अभी इसको ऐसे ही रहने दो। अभी आ जाओ बाइनरी वेपर साइकिल। व्हाट इज़ बाइनरी वेपर साइकिल। बाइनरी वेपर साइकिल में जनरली क्या होता है, हम लोग मरकरी का यूज़ करते हैं। हम लोग इसका यूज़ करते हैं मरकरी का।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हाई क्रिटिकल टेम्परेचर को गेन कर लेती है एट लो प्रेशर, और इसका एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बहुत ज़्यादा होता है ना। स्पेसिफिक हीट कम होती है, नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन फ्लेमेबल होता है, तो ये इसलिए हम वाइनर वेपर साइकिल का यूज़ करते हैं। दिस इज ईएस टॉपिक, नॉट फॉर गेट में भी थोड़ा बहुत आ जाता है, ठीक है। तो पार्शियली इन गेट लिख सकते हो, पार्शियली इन गेट, ठीक है। तो एन डबल सी कितना हो गया, एन वन प्लस एन टू माइनस एन वन एन टू। ये क्या होता है, कंबाइंड एफिशिएंसी, मतलब अगर हमने दो साइकिल्स एक साथ लगा दी है तो कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी होगी। अब आ गया है वो पार्ट जो ओनली फॉर आईईएस स्टूडेंट्स है ना, इसमें गेट स्टूडेंट्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ ओनली फॉर आईईएस। पर मैं मानूंगा कि अगर आप शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हो, चाहे फिर गेट वाले हो, तो आईईएस पढ़ लो थोड़ा सा, थोड़ी नॉर्मल चीज़ें, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो साइकिल को बोलते हैं हम एक्चुअल वेपर साइकिल, रियलिटी में तो यही साइकिल होती है। तो सर्जिंग क्या होता है, सर्जिंग अगर मास फ्लो रेट थ्रू द कंप्रेसर मिनिमम एंड प्रेशर रेशियो मैक्सिमम, अगर प्रेशर रेशियो को मैक्सिमम कर दिया जाए और जो मास फ्लो रेट है वो मिनिमम हो जाए, दैट थिंग इज नोन एज सर्जिंग, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं चॉकिंग की तरफ। व्हाट इज चॉकिंग, चॉकिंग होता है व्हेन योर मास फ्लो रेट है ना इज मैक्सिमम, ठीक है, दैट इज नोन एज चॉकिंग। चॉकिंग में जो मैक नंबर होता है वो ग्रेटर देन वन होता है, मतलब मैक नंबर जो होता है वो वन के बराबर होता है। चलिए फिर आगे स्टॉलिंग, व्हाट इज स्टॉलिंग, स्टॉलिंग इन दिस स्टीम फ्लो ओवर ब्लेड कंटूर, ठीक है। मैन स्टॉलिंग क्या होता है, जो ब्लेड जो का कंटूर होता है, जो ब्लेड होता है उसके ऊपर है ना हमारी जो स्टीम है ना फ्लो करती है, दैट इज नोन एज स्टॉलिंग। अब आ गया थिंग्स आर इन बॉयलर्स, बॉयलर्स में क्या होता है, तो हमें बॉयलर्स में पहले तो थोड़ा नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करके रखना पड़ता है, हमें थोड़ा सा नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करके रखना पड़ता है। उसके बाद एक टर्म आता है केमिकल डोजिंग, व्हाट इज केमिकल डोजिंग, केमिकल डोजिंग में क्या होता है, हमारा जो बॉयलर्स में पानी भरा होता है, पानी स्टीम बनता है ना, वो आगे पाइप्स के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, तो पानी बिल्कुल साफ ना होकर उसमें थोड़ी बहुत मिट्टी होती है, तो मिट्टी की वजह से क्या होता है, वहाँ पे सॉलिड कंसंट्रेशन ड्रम के अंदर हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो हम लोग एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं सोडियम, देखो Na3PO4 है ना, और तारेनीन, टेरेनीन, इनके मिक्सचर को यूज़ कर कर हम लोग सॉलिड कंटेंट को कम करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज केमिकल डोजिंग। अब उसी में एक नाम आ जाता है फ्यूजिबल प्लग, फ्यूजिबल प्लग, व्हाट इज फ्यूजिबल प्लग, अवॉइड ओवर हीटिंग है ना, ओवर हीटिंग को कम करने के लिए हम लोग फ्यूजिबल प्लग को यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है ब्लो ऑफ कॉक, अब क्या होता है ब्लो ऑफ कॉक, क्या होता है, यहाँ जैसे बॉयलर के नीचे एक छोटा सा एक छेद होता है ना, हम इसका ढक्कन ओपन कर देते हैं तो जितनी भी मिट्टी वगैरह होती है वो इससे बाहर निकल जाती है, दैट इज़ नोन एज ब्लो ऑफ कॉक। सर्कुलेशन रेशियो क्या होता है, रेशियो ऑफ द मास फ्लो रेट ऑफ वाटर अपॉन रेशियो ऑफ द मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम, मतलब सर्कुलेशन रेशियो क्या होगा, एम एस मास फ्लो ऑफ द स्टीम प्लस मास फ्लो ऑफ द लिक्विड अपॉन एम एस, ठीक है, दैट इज नोन एज वन अपॉन एक्स टी डी एफ, ठीक है। तो नेचुरल सर्कुलेशन की तरफ चलो, नेचुरल सर्कुलेशन इज ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस है ना, नेचुरल सर्कुलेशन क्या होता है, ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस, जब हमारा प्रेशर 150 बार से कम होता है दैट इज़ नोन एज नेचुरल सर्कुलेशन, और अगर 150 के ऊपर होता है तो उसको बोलते हैं फोर्स, जहाँ पर हमें पंप का यूज़ करना पड़ता है। अब आ जाओ सुपर क्रिटिकल बॉयलर की तरफ, सुपर क्रिटिकल बॉयलर इज नथिंग बट डिपेंड्स ऑन द फ्लू गैस वेलोसिटी है ना, और एक इस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक होती है इसमें, इसमें जो होती है वो राइजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, मतलब टेम्परेचर को राइज करने की। रेडियंट में जो होती है वो डोपिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है, ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है। ये सारे ईएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना अगर आप पावर प्लांट में ना, तो भर भर के आए हुए हैं, ठीक है। पेंडेंट क्या होता है, जिसमें हमारा कन्वेक्टिव एंड रेडिएटर दोनों कंबाइंड होते हैं। व्हाट इज अटेम्प्टर और डी सुपर हीटर, क्या होता है अटेम्प्टर और डी सुपर हीटर, जो अटेम्प्टर और डी सुपर हीटर होता है वो रेडियन सुपर हीटर एंड पेंडेंट सुपर हीटर के बीच में होता है,
और क्या करता है, जो टेम्परेचर, अगर वाटर का टेम्परेचर बढ़ गया है तो उसको कम करता है, ठीक है, बाय द, देखो जो स्टीम का टेम्परेचर बढ़ गया है तो उसको वाटर की बूंदें छिड़क के उसे कम करता है। अब आ जाओ कूलिंग टावर, व्हाट इज़ कूलिंग टावर। कूलिंग टावर आपने देखा होगा, बहुत सारी चिमनिया टाइप की देखी होंगी, है ना, उसमें बहुत सारी चिमनी जिसमें बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा होता है ना, देट आर नोन एज कूलिंग टावर। इट इज़ ऑन हाइपरबोलिक शेप, आप देख सकते हो, क्योंकि सुपरियर स्ट्रेंथ होती है, बेस्ट रेजिस्टेंस टू आउटसाइड विंड होता है, जो विंड आती है उसके ऊपर फ्लो करके निकल जाती है ना। लॉसेस कौन कौन से होते हैं, लॉसेस होते हैं आपके ब्लो डाउन और एवेपरेशन। आगे बढ़ो, वॉट इज़ ई एस पी। ई एस पी इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, है ना, ये क्या होता है, इट इज़ जनरली यूज टू रिड्यूस द फ्लाई एस कंटेंट, फ्लाई एस कंटेंट को रिड्यूस करने के लिए ई एस पी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये वर्टिकल टाइप का, इसमें जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो वर्टिकल होते हैं। अब देखो, एंथैल्पी ड्रॉप के फॉर्मूले हैं अलग अलग टाइप की टर्बाइन के लिए, सिंपल इम्पल्स के लिए, कर्टिस के लिए, पार्सन के लिए, रेटियो के लिए। तो अगर रेटियो और सिंपल इम्पल्स की बात करते हो तो एंथैल्पी ड्रॉप का फॉर्मूला होता है 4u² अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। जो यू होता है यहाँ पर वो ब्लेड वेलोसिटी होता है। कर्टिस के लिए होता है 16u² अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। पार्सन के लिए होता है 2u² अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो और जो एफिशिएंसी होती है वो 50% रिएक्शन टरबाइन की ज़्यादा होती है, उससे कम रेटियो की, उससे कम कर्टिस की। तो आपको ये कुछ समझ में आया होगा, फोर्स ड्रॉट और इंड्यूस ड्रॉट और नेचुरल ड्रॉट। देखो फोर्स ड्रॉट क्या होता है, जिसमें जो फैन होता है वो माउंटेन एट द लोअर साइड, ठीक है, जैसे जो टावर है उसके नीचे साइड पे ये फैन लगा रहता है, ये हवा को ऊपर भेजने के काम करता है। और जो इंड्यूस ड्रॉट होता है वो यहाँ बीच में लगा होता है, वो हवा को खींच रहा होता है। और नेचुरल ड्रॉट क्या होता है, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस के वजह से। अब आ जाते हैं डिफरेंट टाइप के बॉयलर्स, है ना, तो इसमें किस किस टाइप के बॉयलर होते हैं, लेमोंट बॉयलर, लॉफलर, बेंजन, वर्टेक्स। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो ज़्यादा ध्यान देंगे नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बॉयलर एसेसरीज एंड सेफ्टी वॉल्व्स। देखो बॉयलर एसेसरीज वो चीज़ें होती हैं जो हमारे सिस्टम को, हमारे पावर प्लांट को ऑपरेटिंग बना रही होती हैं, मतलब हमारे पावर प्लांट को ऑपरेट करने में मदद कर रही होती हैं, लाइक पंप, इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर, सुपर हीटर, स्टीम सेपरेटर, ट्रैप इंजेक्टर, ठीक है, गेजेस वगैरह, इंडिकेटर्स वगैरह। और जो सेफ्टी बल्ब्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे पावर प्लांट को सेफ करते हैं, ठीक है। जैसे अब इसमें किस किस टाइप का हो सकता है, इसमें फीड चेक वॉल्व हो सकता है, ठीक है, इसमें आपका फ्यूजिबल प्लग हो सकता है, इसमें ब्लो ऑफ कॉक हो सकता है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ब्लो ऑफ कॉक हो गया, ठीक है, फ्यूजिबल प्लग हो गया, फ्यूज प्लग, ठीक है। चलिए, फीड चेक वॉल्व का क्या काम होता है, कंट्रोल द सप्लाई ऑफ वाटर टू द बॉयलर, कि बॉयलर में कितना पानी देना है। स्टीम स्टॉप का यूज़ क्या होता है, अगर स्टीम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है ना, तो हम स्टीम को रोक सकते हैं, कट कर सकते हैं। एयर प्री हीटर का काम क्या होता है, ये क्या करता है, इंक्रीज द टेम्परेचर बिफोर एंटरिंग द फर्नेस, किसका, वाटर का या स्टीम का कह लो, स्टीम का टेम्परेचर बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। चले, अगर चिमनी की एफिशिएंसी निकालनी है, दैट इज़ नोन एज GH1 अपॉन रो जी TG माइनस TGA, मतलब गैस का टेम्परेचर माइनस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए दो टाइप के बॉयलर होते हैं, एक होता है फायर ट्यूब बॉयलर और एक होता है वाटर ट्यूब बॉयलर। फायर ट्यूब बॉयलर वो बॉयलर्स होते हैं जिसमें जो फायर होती है वो ट्यूब्स के अंदर चलती है, ठीक है। वाटर ट्यूब बॉयलर में वाटर चलता है ट्यूब के अंदर। तो फायर ट्यूब और बॉयलर में कई टाइप होते हैं, जैसे लोकरन, ठीक है, लेंसर, कॉर्निस, लोकोमोटिव, नेस्टलर, स्कॉच मरीन, हॉरिजॉन्टल रिटर्न। अब इसके भी कई और आप देखोगे, जो लेंसर होता है वो हॉरिजॉन्टल फायर ट्यूब बॉयलर होता है, ठीक है, लोकोमोटिव भी हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, स्कॉच मरीन भी हॉरिजॉन्टल होता है, पर जो हमारा यहाँ पर कॉर्निस है, हमारा जो कॉर्निस है, दिस इज़ वर्टिकल, वर्टिकल फायर ट्यूब बॉयलर। तो ये मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, सॉरी कॉर्निस नहीं, हमारा कोकरन, कोकरन, सॉरी कोकरन हमारा वर्टिकल बॉयलर है, ठीक है,
कॉर्नेस नहीं, कोकरन, आई एम सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं इसी में विदाउट वेस्टिंग द टाइम, वाटर ट्यूब बॉयलर की तरफ। वैन है ना, वाटर फ्रॉम ट्यूब है ना, तो इसमें कौन सा हो गया, बैबकॉक्स, बिल्सैक, बिलकॉक्स, स्टर्लिंग, लेमोंट, वेंसन। तो जो लेमोंट होता है फोर्स्ड सर्कुलेशन वाटर टाइप बॉयलर होता है, ठीक है। अब क्या होता है डी एरेटर, हमने डी अटेम्प्टर पढ़ा था, अब डी एरेटर आ गया। डी एरेटर क्या कहता है, ये करता है वाटर से गैसेस को रिमूव करता है, ठीक है। और जो आईडी फन होते हैं वो बैकवर्ड टाइप के वेन होते हैं। अब आगे इधर सूट ब्लोअर का काम क्या होता है, सूट ब्लोअर क्या करता है, सरफेस को क्लीन करता है, जो नीचे गंदगी है ना उसको साफ करने का काम करता है, ठीक है। जियोलाइट क्या करता है, जियोलाइट हमारा वाटर प्योरीफाई करता है, सारे ही इसके क्वेश्चन है। डिस्चार्ज थ्रू टर्बाइन का फॉर्मूला क्या होता है, 1.176.H5H/T1, ठीक है। अंडर कूलिंग ऑफ कंडेंसर करने से क्या होती है, एफिशिएंसी कम होती है। अब आ गए हम लोग अपने रॉकेट इंजन या टर्बो प्रॉप इंजन पर, ठीक है, या कह दो जेट प्रोपल्सन इंजन। इसमें क्या होते हैं हमारे राम जेट, पल्स जेट, हमारे टर्बो प्रॉप, हमारे प्रोपेलर वाले इंजन जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं, वो सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जेट प्रोपल्सन किस पे काम करता है, इट इज़ वर्क ऑन हमारा NSL और NTL, न्यूटन सेकेंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। ये लीनियर मोमेंट ऑफ इक्वेशंस पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के इंजन हो गए, पहला इंजन हो गया जेट इंजन और दूसरा इंजन हो गया आपका रॉकेट इंजन, ठीक है। रॉकेट इंजन मतलब जो सैटेलाइट वगैरह पे जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं रामजेट इंजन से। देखो जो इंजन रामजेट इंजन होता है इसमें कोई भी कंप्रेसर नहीं होता है रोटरी टाइप का, मतलब अगर आप इसे चाहोगे स्टेशनरी कंडीशन में से चालू कर दो तो ये स्टार्ट नहीं होगा, है ना। ये कुछ नहीं होता है, एक टाइप का डिफ्यूज़र और नोज़ल का कॉम्बिनेशन होता है ना। तो इसमें कोई रोटरी कंप्रेसर नहीं है ना, कोई टर्बाइन नहीं है पावर प्रोड्यूस करने के लिए। तो रामजेट इंजन को हम क्या करते हैं, हम अपने जो प्लेन्स होते हैं उनमें फिट कर देते हैं। कभी मुसीबत आती है तो रामजेट इंजन को वो लोग तेज़ी स्पीड में है ना स्टार्ट कर कर हम अपना वक्त निकाल सकते हैं। तो इसमें एक सुपरसोनिक डिफ्यूज़र होता है, उसके आगे सबसोनिक डिफ्यूज़र, फिर कंबसन चैम्बर और नोज़ल लगा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक रैम प्रेशर होता है। रैम प्रेशर क्या होता है, देखो जब डिफ्यूज़र से डिफ्यूज़र लगा है ना, डिफ्यूज़र लगा है, तो वैन काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इंटू द स्टैटिक प्रेशर। देखो डिफ्यूज़र कुछ इस तरीके का होता है, तो यहाँ से कुछ काइनेटिक एनर्जी तेज आएगी पर यहाँ पर कम होती जाएगी, कम हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी जीरो होकर टोटल एनर्जी कंप्लीटेड चेंज इन अ प्रेशर, दैट नोन इज रैम प्रेशर, ठीक है। वी कांट ऑपरेट एट जीरो वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी पे अप्रोच नहीं कर सकते, ठीक है। 3 से 5 की रेंज में हम लोग इसे मैक नंबर 3 से 5 की यूज़ में यूज़ करते हैं मिसाइल्स में, ठीक है। ऐसे ही होता है पल्स जेट इंजन। पल्स जेट इंजन क्या होता है, इंटरमिटेंट कंबस्शन, ठीक है। रीट वॉल्व यूज वन वे वॉल्व है ना, यूज स्पार्क प्लग ओनली ऑन लोअर स्पीड एंड शॉर्ट टाइम, ये भी उसी टाइप का होता है पर ये हमारे जनरली सिलेबस में नहीं है। टर्बोजेट क्या होता है, टर्बोजेट में क्या होता है, डिफ्यूज़र होता है, गैस जनरेटर, नोजल, टर्बाइन, कंप्रेसर, सब होता है। टर्बोजेट इंजन हमारे जनरली जो एरोप्लेन्स होते हैं ना जिसमें लोग ट्रैवल करते हैं, दैट इज़ टर्बोजेट इंजन, है ना। इनमें क्या होता है, टर्बाइंस भी होती हैं, कंप्रेसर्स भी होते हैं। टरबाइन का काम क्या होता है, कंप्रेसर को पावर देने का काम होता है टरबाइन का, है ना। टरबाइन यूज टू रन कंप्रेसर ओनली, ठीक है। एग्जॉस्ट गैसेस में थ्रस्ट जनरेट होता है, उससे चलता है, ठीक है। यूज्ड इन पायलट प्लेन, कार्गो प्लेन, मिलिट्री प्लेन। टर्बो प्रॉप क्या होता है, आपने छोटे छोटे वो एरोप्लेन देखे होंगे जिन्हें आप बोलते हो चार्टेड प्लेन, उनमें देखना आप पंख लगे रहते हैं, पंख का यूज़ कुछ नहीं होता है। ये पंख भी हमें मोमेंटम, मतलब हमें थोड़ा सा थ्रस्ट देने के लिए यूज़ होता है। जो टर्बो प्रॉप होता है इनमें 60% जो थ्रस्ट होता है ना, या 80% जो थ्रस्ट होता है वो हमारा फैन की वजह से होता है और 20% ड्यू टू द एग्जॉस्ट गैसेस की वजह से होता है ना। उसी जो फैन होता है उसको प्रोपेलर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब आ जाता है रॉकेट प्रोपल्सन इंजन। देखो रॉकेट प्रोपल्सन इंजन की एक बहुत बड़ी खासियत है कि ये दीज नॉट आर एयर ब्रीथिंग इंजन, है ना, मतलब नॉन ब्रीथिंग इंजन, मतलब इनके पास, इन्हें एयर में नहीं चलते, इन्हें आप बिना एयर के भी चला सकते हो क्योंकि ये अपने खुद के ऑक्सीडाइज़र को साथ में लेके चलते हैं, मतलब अपनी लिक्विड ऑक्सीजन को साथ में लेके चलते हैं, तो इन्हें एयर की ज़रूरत नहीं होती है।
दैट इज़ वाई दैट इज़ नोन एज नॉन ब्रीथिंग इंजन, ठीक है। ये यूज इन मिसाइल, ठीक है, और सैटेलाइट्स वगैरह में यूज़ होते हैं। इनका मैक नंबर 5 होता है। अब टर्मिनोलॉजी पे आ जाओ, ठीक है। टर्मिनोलॉजी क्या हो गई कि हम पहले निकालेंगे थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होगा, मास ऑफ एयर बराबर है ना वी जे माइनस बी ए। हम पहले ये निकाल लें एयर ब्रीथिंग इंजन के लिए, ठीक है। मास ऑफ द एयर अपॉन वी जेट वेलोसिटी माइनस एयर वेलोसिटी, ये निकाला है थ्रस्ट। अगर पावर निकालना है तो इसमें एयर की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अगर प्रोपल्सिव एफिशिएंसी निकालना है दैट इज़ नोन एज एम डॉट ए बाई टू वी जे स्क्वायर माइनस पी ए स्क्वायर। और अगर एफिशिएंसी निकाल लिया दैट इज़ नोन एज टी पी अपॉन पी पी, ठीक है, टू बी ए अपॉन वी जे प्लस पी ए। है ना, टू वी ए अपॉन वी जे प्लस वी ए। अब यहाँ से निकालोगे आप थ्रस्ट, ठीक है ना। अब यहाँ से आ जाए थ्रस्ट, ठीक है। थ्रस्ट बाई एम डॉट ए करो, ये स्पेसिफिक थ्रस्ट आ गई। स्पेसिफिक थ्रस्ट में हम लोग मास एम डॉट ए से डिवाइड कर देते, पर ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। ये एफिशिएंसी याद रखो, ये प्रोपल्सिव एफिशिएंसी याद रखो, ये चार फॉर्मूले याद रखो बस। आप आ जाओ रॉकेट के लिए। रॉकेट में क्या होता है, दीज नॉट आर एयर ब्रीथिंग इंजन्स। तो यहाँ पर जो थ्रस्ट पावर होती है वो एम ए वी जे वी ए होती है। प्रपल्सिव पावर एम ए वी जे स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर बाई टू होती है ना। अगर आप वी ए बाई वी जे को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं तो एन पी कितना निकलेगा, टू सिग्मा अपन वन प्लस सिग्मा, या टू बी जे वी ए अपन वी जे स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ लेक्चर था पावर प्लांट का। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैंने यहाँ पर आपको पूरा पावर प्लांट के शॉर्ट नोट्स को कंप्लीट कर दिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर लगा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपना करे बिना मत जाइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, बने रहिए।